जो भी आ रहा अंदर चले जाओ। तुम घर में लगा ना, वो फर्स्ट है या सेकंड है ये? और दो मिले లెవెన్ ఉన్నారు కదా సార్ ఇక్కడ టికెట్ ఉంటుంది జిరా హాల్ టికెట్ కాబట్టి తిరగదు మూడో మాత్రం हर एक साल अप्रैल महीने में ये ओपन स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, ओपन स्कूल एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट एग्जाम्स होते हैं तेलंगाना कॉस, तेलंगाना ओपन स्कूल एसएससी एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में होते हैं। ये साल एग्जामिनेशन भी चालू हो गए। कल इंग्लिश का पेपर था, वो कामटपुरा पुलिस लिमिट उमदा नगर हाई स्कूल बोल के है कामटपुरा में, चंद्रलाल बालाधरी के कालनी के बाजू काली में ही है वो स्कूल, स्कूल में है वहाँ। कल इंग्लिश पेपर एग्जामिनेशन था कल, तकरीबन टोटल सेंथ जो एग्जाम निकले थे हाल 190 स्टूडेंट्स का रोल था, 190 स्टूडेंट्स। तो एवरी ईयर एक चेकिंग स्क्वाड रहता, वो चेकिंग स्क्वाड में रहते दूसरे स्कूल के फिजिकल डायरेक्टर और स्कूल हेडमास्टर्स रहते वो चेकिंग स्क्वाड में। कल चेकिंग स्क्वाड आया, तकरीबन 8:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ, 9:15 बजे चेकिंग स्क्वाड आया चेकिंग करने के लिए। तो चेकिंग ये मालूम ये घटे इम्पर्सनेशन हो रहा था कल, एक के एग्जामिनेशन के प्लेस में दूसरा एग्जाम लिख रहा था। ये ओपन एग्जामिनेशन ये होता जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, ड्रॉप आउट होते वो अटेंड करते एग्जामिनेशन को। कल 14 स्टूडेंट्स के प्लेस में 14 दूसरे लोग एग्जाम लिख रहे थे, सात के प्लेस में सात जने एग्जाम लिख रहे थे, पूरे घटे गए पूरे हॉल नंबर 2, 4, 5, 7 चार हॉल में चार सेवन स्टूडेंट्स के प्लेस में और सात दिख रहे थे। तो पूरे उनको स्क्वाड वाले अरेस्ट करके उनके एग्जामिनेशन पेपर हॉल टिकट्स और आंसर शीट भी सीज करके इंस्पेक्टर कामटपुरा को हैंड ओवर करे थे। इंस्पेक्टर कामटपुरा वो सीज कर लेके FIR रजिस्टर करके चीटिंग मालपेट सर तेलंगाना एग्जामिनेशन मालपेट सर एक्ट के अंदर FIR करे और चीटिंग के अंदर करे इम्पर्सनेशन के अंदर करे उनका अरेस्ट करके उनको कोर्ट को भिजा रहे। इसमें आउट दो स्टूडेंट जो दुबई में रहते उनके प्लेस में भी एग्जाम लिख रहे थे वो घटे, वो बच्चे आने का है, दो बच्चे का नाम है उसमें से एक बच्चा भी है 17 साल का बच्चा भी है, 22 जो माइनर है तो माइनर को हम पेरेंट्स लेके हैंड ओवर कर दिए, बॉन्ड ले लिए उसके अगेंस्ट में चार्जशीट डाल दे। और जो घटे उनको जो मेजर्स है जो इम्पर्सनेशन कर रहे थे स्कूल में उनको अरेस्ट करके रिमांड को भिजा देते। टिकट जो अप्लाई करता उसका हॉल टिकट रहता, अब जाके बैठ जाते ना ओपन स्कूल रहता ना, ये जाते हुए खाली मैं बोलो तो जब अंदर छोड़ते हॉल के अंदर तो चेक करना, फोटो देखना उसको देखना, वो तो अभी बायोमेट्रिक तो नहीं है सर, SSC में नहीं अभी इंट्री नहीं करे, बायोमेट्रिक इंट्री में नहीं बोला तो अलाउ करे उसमें से नहीं, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं रहता, मैनेजमेंट का रोल कुछ भी नहीं रहता, चेकिंग चलते रहता ना, फिर बाद में फिर बैठने के बाद फिर चेकिंग फड़ा के फिर सेपरेट चेक।